हाँ हटा के साफ करो अच्छी तरह, हर जगह पे मट्टी लगी हुई है। ये देखो, यहाँ आओ, ये देखो क्या टेबल का हाल हो रहा है। वो लोशन लाके ना उससे भी करना अच्छी तरह चमके, ये अच्छी तरह, शाबाश, इसको उठाओ। क्या घर का हाल। सौ बिस्मिल्ला, आज तो हमारी बक्तेन बीबी हम घर पर आएंगे। कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक। डैड कहाँ? वो अंदर है। बक्तेन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बेवकूफी करोगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ क्यों हुआ, मुझे वलीद की माँ सब कुछ बता चुकी है। ये तो अच्छी बात है, मुझे दोहराना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि वलीद से माफी तलाफी करके ये मामला रफा दफा करवाओ। पहले बहुत ख्वारी और बदनामी हो चुकी है हमारी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलने को तैयार। कोई जरूरत नहीं दादी, एक चीज जब खत्म हो गई दोबारा नहीं जुड़ सकती। क्यों नहीं जुड़ सकती? क्योंकि दादी, बक्तेन, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। और वैसे भी मैं आपको यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आई हूँ, मैं अपने डैड से मिलने आई हूँ। अपना डैड? तुम इसे अपना समझती हो? अम्मी मैं जरा बात करके आता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। देख रही हो, तस्कीन बच्चों को बाहरी बना रही है बिल्कुल अपनी तरह। हसन फिर बात करते हैं, आप रिलैक्स करें। अरे क्या बात करेगा ये, बच्चों के सामने तो यूं हो जाता है।